वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे सतसंग जीओ, आप दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा बेटमा साहिब, जो कि इंदौर शहर तो 30 किलोमीटर अगे हैं। इत्थे 500 साल पहले धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे आए सन। उस समय इत्थे काफ़ी जंगल सी, बड़ा लुटमार हुंदा सी। जिहड़े गरीब किसान हैं वो काफ़ी तंग परेशान से इत्थे लुटेरे तो। सतगुरु जी ने अपार रहमत बख्शिश कृपा की, उन्होंने बचाया। फिर वो कहने लगे बाबा जी पीने वास्ते पानी नहीं है, खारा पानी है। फिर सतगुरु जी ने खारे पानी ने मिठा पानी किया जी। तो इत्थे अगे एक गुरुद्वारा होर है, उत्थे सतगुरु जी ने विश्राम किया सी, ते इत्थे सत्संग करदे सी। कुछ समय सतगुरु जी इत्थे रहे, गुरु नानक देव जी महाराज इत्थों उज्जैन गए, उज्जैन तो पंजाब गए। आ दरबार साहब है, बावली साहब गुरुद्वारा है, थले बावली है, ये पानी नाल पूरी भरी हुई है। ये उस समय इत्थे खारा पानी से, गुरु नानक देव जी ने अरदास बेनती जोदड़ी करके खारे पानी ने मिठा पानी किया जी। ये जल सरोवर च जाता है, सरोवर ए इस पासे सरोवर बनिया है, तो ये नवा दरबार साहब तैयार हो रहा जी। बावली साहब गुरुद्वारा छोटा है, जिवें सत्संग हुंदा है दीवान सजदा है तो जगह घट हुंदी संगत नूं बैठण वास्ते, तो आ नवा दरबार साहब तैयार हो रहा है। सतगुरु जी दी अपार रहमत बख्शिश कृपा है, इत्थे जागती जोत है, सारियां दी मनोकामना पूर्ण हुंदी है, श्रद्धा भावना लोगों की बहुत है। इत्थे दूजे समाज भी बड़े आंदे ने, सिख तो आंदे आंदे, दूजे जिहड़े समाज है सारे आंदे ने इत्थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिन्हें भी संसार दे समाज है सारी आती इतने दर्शन कर दी जी। गुरुद्वारा बेटमा साहिब दी आप जी भी दर्शन करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।